हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीबीआई ऑफिशियल और मैं आदिल हैदर। जिस तरह से आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ चल रही हैं, सही है ना? और सर्दियों में जो है, जैसे कि मौसम चेंज होता है तो नए नए मसले मसाइल भी आते हैं बर्ड्स में। तो एक मसला जो है वो बहुत ज़्यादा बर्ड्स में आ रहा था, सही है, वो चाहे टॉकिंग पैरेट हो चाहे नॉन टॉकिंग पैरेट हो, कि मैं कल भी मतलब अपने घर से निकला तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठीक है ना। मैंने बहुत मोटी जैकेट भी पहनी हुई थी, नीचे मोटी शर्ट भी पहनी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। लेकिन आज सुबह जो हमने मौसम देखा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। देख सकते हैं अभी मैं शॉर्ट में बैठा हूँ और नॉर्मल टी शर्ट में बैठा हूँ, गर्मी लग रही है। तो होता ये है कि जिस टाइम पर गर्मी हो रही होती है तो बंदा जो है अपने बर्ड्स को करता क्या है कि मतलब ये हटा देता है, चादर हटा दी, ठीक है, और शाम में जो है उन्हें हल्की हल्की ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि यार मौसम तो गर्म ही था, तो क्या ज़रूरत है अभी चादर डालने की, मौसम बेहतर है, कुछ नहीं होगा, सही है। तो इसमें होता क्या है कि हल्की ठंडा और गर्म हो जाता है परिंदे के साथ जो है, तो उसमें वो सुस्त होकर बैठ जाता है और सबसे पहले जो उसको होता है वो बुखार होता है ठंड की वजह से। फिर बुखार के बाद जो है वो नमूनिया की सूरत अख्तियार कर लेता है। तो एक और हमारे भाई के पास जो है वो तोता लेके आए थे, क्योंकि अक्सर लोग बोलते होंगे कि यार आदिल भाई मरे हुए परिंदे की वीडियो डाल रहे होते हैं, ये इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये होता है कि वो जब चीज़ दिखाई जाती है तो आपको पता चलता है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो चीज़ टाइम पे ले आते हैं उसे तो हम बचा लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत लेट हो जाती हैं या बहुत देर हो जाती है। इसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगा, एक सब्सक्राइबर हमारे लेके आया, बड़ा अच्छा टॉकिंग पैरेट था, ये बच्चा दिलाया था मैंने उनको, तो इसको ठंड लगी थी, इसको ठंड लगी तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने इसको देखा कि ये कमज़ोर हो रहा है। मैंने कहा इसको ठंड जो है तकरीबन एक हफ्ते से लगी हुई थी, सही है, इसको सीप हो रही थी और उसके बाद जो है इसके हाथ पांव बहुत ठंडे हो रहे थे, ठीक है। और पैरेट की जो है एक्टिविटी आपको बता देती है, मतलब ये है कि दिन में जब भी आप वो 10 से 15 मिनट तोते को ज़रूर रुक के देखा करें, क्योंकि आप ख़रीद तो लेते हैं पैरेट, अक्सर जो है फिर टाइम नहीं होता, बंदा जो फैमिली वाला है वो बीवी बच्चों में लगा हुआ होता है या कुछ हो जाता है। लेकिन ये है कि शाम जब हो, जिन इलाकों में ठंड हो जाती है, जैसे हमारा कराची, यहाँ का तो मौसम अलग रहता है, क्योंकि जहाँ पे समंदर होता है वहाँ पे कभी भी एक जैसा मौसम नहीं होता, लेकिन जहाँ एक जैसा मौसम होता है शाम के टाइम पर सर्दी होना शुरू हो जाती है, तो तोतों को अपने ढक दें, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप तोते को देख रहे हैं कि उसकी एक्टिविटी सुस्त है, वो है, तो उसको फिर जल्दी से किसी पेट शॉप पे ले जाके दिखा दीजिए, नहीं तो किसी एक्सपर्ट से, और नहीं तो मैं हर टाइम हाजिर होता हूँ। मैं सबको ये कहता हूँ कि आप अपना बर्ड्स लेके आए मेरे पास, कोई भी उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है, मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। तोते में कोई भी मसला हो जाए, जैसे कि मेरी पिछली वीडियोज़ भी आप देखेंगे कि अगर उनका पोटा फट गया या कुछ हो गया या बाजू या पंखे में आ गया तो मैं स्टिचेस वगैरह भी कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो व्यूवर्स, इस तरह से जो है आप अपने आपको तोते को जब आप पहले देख लेंगे तो उसके सर्वाइविंग चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हफ्ता कर देंगे, 5 दिन कर देंगे, तो उसमें जो है वो तोता फिर एक्सपायर हो जाता है। ये बहुत अच्छा टॉकिंग पैरेट था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि ये मर गया। तो उन्होंने कहा कि आदिल भाई मेरा तोता मर गया है इस तरह से, तो ये है कि आप इस पर वीडियो बना के डालें। तो फिर मैंने उनके बेहद इसरार पे मैंने बोला नहीं यार, लोगों को इसलाह होनी चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।